नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बॉलीवुड इंडिया में सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्म जलेबी की। महेश भट्ट और विशेष भट्ट के बैनर तले बन रही फिल्म जलेबी का पोस्टर रिलीज हो गया। डायरेक्टर पुष्पदीप द्वारदास के निर्देशन में बन रही यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म 12 अक्टूबर 2018 को सिनेमाघरों में होगी। महेश भट्ट ने ट्विटर पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, बदलती हुई इस दुनिया में जहाँ पुरानी कहानियाँ डर रही है और नई कहानियाँ उनकी जगह ले रही है, ऐसे में हम ला रहे सदाबहार प्रेम की कहानी जलेबी। फिल्म जलेबी में रिया चक्रवर्ती एंड वरुण मित्रा मुख्य किरदार में होंगे। और बढ़ते हैं इसी के साथ अगली खबर पर। अगली खबर है सूरज पंचोली से जुड़ी हुई। 2015 में हीरो फिल्म से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले सूरज पंचोली, जो कि आदित्य पंचोली के बेटे हैं, उन्होंने अपनी अगली फिल्म सैटेलाइट शंकर की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसे प्रोड्यूस कर रहे भूषण कुमार और फिल्म का डायरेक्शन इरफान कमल कर रहे हैं। अगर आप ऋतिक रोशन के फैन हैं तो ये खबर आपके लिए। ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवी सुपर 30 का पोस्टर रिलीज हो गया है। ऋतिक ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि वक्त बदलने वाला है, वेलकम टू सुपर 30। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। सुपर 30 के बारे में और बात करें तो पटना शहर के एक कोचिंग क्लासेस चलाने वाले आनंद कुमार के जीवन पर आधारित यह फिल्म है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर 30 छात्रों को IIT की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। रिलायंस एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही फिल्म, जिसे डायरेक्ट किया है विकास बहल ने, फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में होगी। और इसी हफ्ते नमस्ते इंग्लैंड का ट्रेलर रिलीज हो गया। अर्जुन कपूर परिणीति चोपड़ा स्टारर यह फिल्म नमस्ते इंग्लैंड, जिसमें अर्जुन कपूर ट्रैक्टर चलाते दिखे। इसकी शूटिंग पंजाब, लंदन और पेरिस में की गई। रिलायंस एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी यह फिल्म, जिसे डायरेक्ट किया है विपुल अमृतलाल शाह ने, फिल्म 19 अक्टूबर 2018 को रिलीज होगी। अब बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों की। इस हफ्ते शुक्रवार को दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई, पलटन और लीला मजनू। जेपी दत्ता, जो कि वार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, बॉर्डर और LOC के बाद लेकर आए पलटन। फिल्म की कहानी 1962 में हुई चीनियों और भारतीयों के युद्ध पर है। हर बार की तरह जेपी दत्ता ने रियल लोकेशन पर शूट किया। पलटन की स्टार कास्ट की बात करें तो अर्जुन रामपाल, सोनल चौहान, हर्षवर्धन राणे, सोनू सूद, जेकी श्रॉफ, कुर्मी चौधरी और ईशा गुप्ता इसमें हैं। पलटन के साथ साथ रिलीज हुई फिल्म लीला मजनू, साजिद अली के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म, जिसे प्रोड्यूस कराए एकता कपूर ने, तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी इसमें मुख्य किरदार में हैं। बॉलीवुड इंडिया के वीकली रेडियो प्रोग्राम में इस हफ्ते बस इतना ही। अगला हफ्ते फिर मिलूंगा सिनेमा से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। जय हिंद।